हाय गाइस, मैं आपका वेलकम करता हूं इस चैनल की फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जाने वाले हैं एचसीएल टेक बी प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए कि ये प्रोग्राम रियल है या फिर फेक है। ये तो आपको आखिर में ही पता चलेगा कि ये प्रोग्राम रियल है या फिर नहीं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि मैंने वीडियो को पहले से ही 2x कर दिया ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और बहुत सारी क्लिप को मैंने कट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो कि वहाँ मीटिंग हुई थी वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ बस मैंने कुछ शॉर्ट्स ऐड करे हैं, और ये शॉर्ट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसलिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और इन्हें अब मर्ज करने में भी बहुत टाइम लगा है। तो मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि आप सारे सीन्स को देखोगे और बाद में ही जज करोगे कि मैंने यहाँ जाके क्या फ़ायदा करा है। और जब तक ये कुछ फुटेजेस हैं आप वो देख लो, और जो मेन आपके काम की चीज़ है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। आपको डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे क्लिक करना है और उन सब वीडियो को देख लेना है। जब भी आपको पता चलेगा कि मैंने एचसीएल ऑफिस में जाके वहाँ के एम्प्लॉय से क्या बात करी थी। और एंड में तो मैं आपको पूरी वीडियो का कंक्लूजन दूंगा ही। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए बता देता हूँ। मैं एचसीएल के सेक्टर 127 वाले ऑफिस में गया था, जहाँ मेरे को बुलाया गया था। मेरी मीटिंग फिक्स करवाई थी, सर हैं एक एचसीएल के, उन्होंने उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला गेट नंबर 1 पे आना है। मैं गेट नंबर 1 पे गया और वहाँ गेट नंबर 1 पे एंट्री नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे पास विजिटर पास नहीं था। तो ये आप देख लो गेट नंबर 1 की क्लिप है। और गेट नंबर 1 से जो गेट नंबर 4 पे जाने को मेरे को बोला गया था, वहाँ से पहले मैंने विजिटर पास बनवाया था, उसके बाद ही मेरे को एंट्री मिली थी। ये कुछ सीन है जो एचसीएल के एम्प्लॉयज से और वहाँ एक दो कंपनी और हैं जैसे कि अपनी सैमसंग, तो उन सब के बीच में से निकलते हुए ये सीन मैंने शूट करा है। और इस सीन का शूट करने का मुझे कोई मतलब लगा नहीं, पर ये पता नहीं मैंने क्यों शूट करा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपको एचसीएल ऑफिस में जाना होगा, अगर आपको भी वहाँ पता करने के लिए कुछ जाना है, तो आपको गेट नंबर 1 पे बिल्कुल नहीं जाना। जिस गेट पर मैं गया था गेट नंबर 4 पे, आपको गेट नंबर 4 पे जाना पड़ेगा पहले। वहाँ से आपको विजिटर पास बनवाना होगा, जो कि मैं अभी आगे आपको वीडियो में करने वाला हूँ। आप देख भी पाओगे कि पहले हमारा विजिटर पास बना, उसके बाद ही हमारी गेट में एंट्री हुई थी। और जो हमारी मीटिंग थी वो कैफेटेरिया में हुई थी। और मीटिंग का जो मैंने आपको बता ही दिया है, मीटिंग की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, जो भी लिंक आपको मिलेगा उस लिंक पर क्लिक करके आपको देख लेनी है। ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, छोटी सी फाइल है, उसको बस मैंने HD में इम्पोर्ट करा है। और आप ये देख लो, यहाँ मैं विजिटर पास बनवाने वाला हूँ। और यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, जहाँ जाना था आपको अपना नाम बताना था, पर्पस क्या है आपके आने का ये बताना था। और ये मेरा विजिटर पास मेरे हाथ में आ चुका है। और वीडियो मैंने कर रखी है 2x, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं तेज़ भाग रहा हूँ, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये देख लो आप, ये पूरा पास था जो भी था। और ये फ़ोटो थोड़ा अलग इसलिए आया है क्योंकि फ़ोटो खिंचवाते टाइम मैं बिल्कुल भी सीधा नहीं खड़ा था। ये है अपना HCL का मेन ऑफिस, जहाँ आप सेलेक्ट होने के बाद आने वाले हो। तो देख लो, ऑफिस बहुत ही शानदार है और मैं तो कहूँगा मैंने ऐसे बहुत ही कम ऑफिस देखे हैं। वीडियो के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑफ़िस कैसा है। ये सब मैंने रियल में देखा था तो मुझे कुछ अलग ही लग रहा था, पर वीडियो में वो वाली ब्यूटी कैप्चर नहीं हो पाई है। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो क्योंकि वीडियो कभी हॉरिजॉन्टल है कभी वर्टिकल है। ये सब मोस्ट ऑफ इसी वजह से है क्योंकि वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं थी। मैंने फिर भी रिकॉर्ड करने का बहुत कोशिश करा है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो मेरे को कितनी प्रॉब्लम से ये वीडियो मिली है या फिर मैंने ये बनाई है। और आप ये वीडियो अब देख पा रहे हो, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, कमेंट में कुछ भी लिख देना, बस कमेंट हो जाना चाहिए। और बस कमेंट होगा तो मेरे को अच्छा लगेगा देखकर। बाकी वीडियो को आप लाइक करो चाहे मत करो। अभी आ गए हम अंदर ऑफिस के कैफेटेरिया में, जहाँ हमारी मीटिंग है, और यहीं हमारी मीटिंग होने वाली है। और मीटिंग की क्लिप के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक, कमेंट में फर्स्ट लिंक, दोनों ही आपको मिल जाएंगी। वो मीटिंग की ही लिंक है। और मीटिंग ख़त्म करने के बाद जो भी होगा वो आपको कंक्लूजन में पता चल जाएगा। आप पहले एक बार मीटिंग देख लेना और ये वीडियो शायद पूरी देख लो, उसके बाद आप अपने बेसिस पे भी जज कर पाओगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना, मैं कमेंट में रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा अगर हुआ तो। और ये हमारी एंट्री हो गई है, यही हमारी मीटिंग है। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मीटिंग की फ़ाइल मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जो भी यहाँ बात हुई है वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल गई। और हमारी मीटिंग अब ख़त्म हो गई है, तो अब हमें जाना होगा वापस। और वापस जाने के लिए फिर से वही कैफेटेरिया के रास्ते से निकलेंगे। और कैफेटेरिया में भी मैंने आपको बताया कि
रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो मैंने फिर भी रिकॉर्ड करने का ट्राई करा है। तो बस यही कुछ सीन है, इन्हें आप देख लो और देख लो, अगर आपने टैग भी सेलेक्ट करा है, आपको अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो आपको यही वाला ऑफिस मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि नोएडा वाला सबसे बड़ा कैंपस यही है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस तो यही होंगे कि आपको नोएडा वाला कैंपस ही मिलेगा। और अगर आपको ये कैंपस मिल रहा है तो मैं तो यही कहूँगा बहुत ही ज़्यादा सही है। बाहर का भी देख सकते हो आप, ट्रैफिक बहुत कम था, ट्रैफिक कम होने के साथ साथ रोड भी काफ़ी साफ़ सुथरे थे। हमारे यहाँ दिल्ली NCR में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हमारे यहाँ तो यही है, हर चीज़ आपको गंदी ही मिलेगी, आपको रोड साफ़ मिल रहे हैं तो हमारे लिए तो ये नई चीज़ है। जितने भी लोगों को ये लग रहा हो कि मैं रोड को देख के ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आई होप कि वीडियो आपको थोड़ी सी भी ठीक लगी होगी, और मैंने कुछ तो आपको बताने की या फिर दिखाने की कोशिश करी ही होगी। बाकी जो मेन क्लिप है जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया सही से, जो मीटिंग वाली क्लिप है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, बाय।